बात ही नहीं करना चाह रही। एटीट्यूड हाँ, ये आपकी शादी का कार्ड। देखो ये हमारी क्लास फेलो मोना खालिक की शादी का कार्ड है। मैं मोना खालिक, आई स्वेयर मोना, मैंने पूरा कार्ड खोल के नहीं देखा। ये देखो मोना लिखा हुआ है ना, तुम, मुझे लगा तुम्हारी शादी का कार्ड। मोना खालिद, मोना खालिक। मोना वो कम से कम मुझे कॉल ही कर लेते, फोन करके पूछ लेते। इरफान यार, मैंने तुम्हें कॉल की थी पर तुमने कंफ्यूजन क्लियर नहीं की। तो मुझे कौन सा इल्हाम होना था कि तुम मोना खालिक को मोना खालिद समझ बैठोगे? यार तुमसे मैंने फोन पे कहा था कि आई एम नॉट मैरिड, क्यों नहीं किया मेरा इतबार? तुम्हें पता है मैं कितना बड़ा इडियट हूँ? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी बात के एतबार नहीं किया मोना। अब क्या हो सकता, तुमने तो निकाह भी कर लिया। मुझे अफसोस है जो कुछ भी हुआ, लेकिन मेरी गलती की वजह से किंदा सफर करेगी। मैं अपना निकाह नहीं तोड़ सकता। मैंने ऐसा तो नहीं कहा इरफान, मुझसे करीब आने का फैसला तुम्हारा था इरफान, और अब मुझसे दूर जाने का फैसला भी तुम्हारा है। चले जाओ, दरवाजा बंद करके जाना। मोना बात तो सुनो, रिपोर्ट तो मैंने लिखवा दी है। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। काफी कच्चे चोर लग रहे थे मुझे, ज्यादातर ज्वेलरी छोड़ गए इमिटेशन समझ के। शुक्र करो चोर थे, पक्के चोर नहीं थे, वरना घर साफ कर देते। मुझे तो पता किसी स्टाफ मेंबर की इन्वॉल्वमेंट लग रही है, ऐसे कैसे वो डायरेक्टली सेफ की तरफ चले गए, बाकी घर की चीजों को हाथ ही नहीं लगा। पुलिस अपना काम कर रही है, उम्मीद है जल्द पता चल जाएगा। मैं इसीलिए स्टाफ पे भरोसा नहीं करती, और आप कहते हैं आयान को भी स्टाफ पे छोड़ के चली जाओ। फिर मुझे आयान से याद आया, तुमने कॉल करके हालचाल पूछा उसका? हाँ फोन किया था। ठीक है बेचारी, बस उसको बुखार है। हमें फौरन चलना पड़ेगा उसके पास, पता नहीं उसने मेडिसिन ली होगी कि नहीं ली होगी, सदा की चोर है मेडिसिन लेने में। उसके पास बाबर है, वो देख लेगा, हमें यहाँ फोकस करना है। देखें हमारे हालात क्या है इस वक्त। Oh.